हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में शहर की सुंदरता खराब कर रहे पोस्टर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त फैसला जारी करते हुए कहा था कि सरकार और नगर निगम प्रशासन इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। लेकिन बावजूद इसके शहर की लगभग हर दीवार पर ABVP लिखा हुआ साफ नजर आता है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता आयद मेहता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेज प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत किसी को भी दीवार पर लिखने की इजाजत नहीं है। ऐसे में पुलिस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये एक शर्म, ये उल्लंघन है। मैं आपको बता दूं, जो HP ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 है, इसमें प्रावधान है सेक्शन 3 में, जिसमें कि सजा का भी प्रावधान है और सजा के साथ साथ जो फाइन का भी प्रावधान है। अदरवाइज मैं तो हैरान हूं कि प्रशासन यहाँ पर किस तरह से सोया है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करे, क्यों नहीं इस बारे में कॉग्निजेंस ली जा रही है। सीधे तौर पे जो सेक्शन 8 है इस एक्ट की, सीधे तौर पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है और उनको अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 3 में कंप्लेंट होगी। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश की जनता के तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शिमला जो हमारा सिटी है MC शिमला सबकी तरफ से आगाह करना चाहता हूं कि आप जो है इस वॉल राइटिंग को मिटवाइए, नहीं तो हमें जो है मजबूरन जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और इसके पास हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप चाहे माननीय उच्च न्यायालय के नीचे जो रोड आता है, सर्कल रोड आता है लिफ्ट के साथ, आप देखेंगे हर जगह वहां से शुरू करिए, संजौली है आपका, जितना सर्कल रोड है हर जगह ABVP। इससे क्या है कि ये एक जो सफाई यहाँ का एक जिस तरह से शिमला का एक इतिहास रहा है, इसको एक नुकसान ठेस पहुंचा रहे हैं। उधर नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर शशि शेखर चीनू कहते हैं कि इस मामले में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से असफल रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला आने वाले पर्यटक दीवारों पर ऐसी हरकतों को देखकर निराश होते हैं और इससे शिमला की छवि खराब होती है। सरकार ने और MC ने जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शहर के लिए लाया है कि हमने इस शहर को अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि हर जगह वॉल राइडिंग से, चाहे ABP हो, जनता पार्टी, भाजपा, ये सारे नारे या SFI जो भी नारे दीवारों पे वॉल राइडिंग कर रखी है वो से चिपके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इनका स्मार्ट सिटी या सपना है सरकार का या MC का, वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रशासन को कम से कम ये बोले कि ये जितने भी वॉल राइडिंग हो रखी है या ये पोस्टर अगर होते हैं, पहले तो उन पार्टियों को नोटिस दें। नोटिस नहीं भी देते तो प्रशासन का MC का काम है कि उनको हटवाएं, ताकि इस शहर को सुंदर रखें। अब टूरिस्ट सीजन आपके सिर पे है अभी, और आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी पीछे हाईकोर्ट ने जब किया, शायद थोड़ी बहुत जगह इन्होंने झंडे झंडे हटा दिए। मोर ओवर MC के इलेक्शन सिर पे है, तो उससे पहले इस शहर को अच्छा रखना, निष्पक्ष चुनाव होने, तो ये सरकार का दायित्व है। लेकिन मैं समझता नहीं, सरकार टोटली फेल है, MC आपकी भाजपा की है, वो टोटली फेल है। वॉल राइटिंग मामले में नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली बताते हैं कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार होर्डिंग्स को हटाने के आदेश दिए जा चुके हैं और जिन लोगों ने होर्डिंग्स लगाए हैं उन्हें नोटिस भी भेजा जा चुका है। शिकायत ऐसी आई थी और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है कि जो अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स लगी है और जो वॉल राइटिंग है तो उनको हटाया जाए। इसके लिए आपने MC की टीम फील्ड में है और लगातार हम 2-3 दिन से जो अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स हैं, वॉल राइटिंग्स हैं, उनको हम हटा रहे हैं। और जिस भी संस्था ने ऐसी होर्डिंग्स लगाई हैं या वॉल राइटिंग की हैं, उनको भी हमने इसमें डायरेक्शंस दे दिए। शिमला शहर की अमूमन हर सड़क के साथ लगती दीवारों पर ABVP लिखा साफ नजर आता है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट बार चैम्बर की दीवारों को भी नहीं बख्शा गया है। आपको बता दें कि वॉल राइटिंग करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी है। शिमला से N1 लाइव के लिए योगराज शर्मा की रिपोर्ट।